हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज लोग आज सोच रहे होंगे कि भाई एनसीसी ड्रेस में ब्लॉगिंग। तो यहाँ हमारे कॉलेज में 26 जनवरी की प्रैक्टिस चल रही है, और लाइक प्रैक्टिस क्या चल रही है, बॉयज़ लोगों की प्रैक्टिस चल रही है और हमारे यहाँ से चल रही है। तो आज 22, तो जो भी है 22 से लेके 26 जनवरी तक जो भी है हम एक्टिविटी रहेगी, जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा वो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी इसमें। आगे चल के आगे आगे सब देखिएगा हम लोगों ने क्या किया है, क्या प्रैक्टिस चली हमारी, क्या प्रोग्राम। वैसे इतना कुछ खास तो नहीं होना है, प्रोग्राम छोटा सा ही होगा क्योंकि कोविड के कारण ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा है हमने और ज़्यादा लोग आएंगे भी नहीं। तो देखिए फिर आगे का पूरा चलते हैं। कॉलेज पहुंच गए और आज फर्स्ट डे है, तो गर्ल्स कैंडिडेट तो आई ही नहीं है अभी, कोई भी नहीं आया। पता नहीं बॉयज़ में फिर भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, गर्ल्स में तो है ही नहीं अभी। अभी आज बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं आएंगे, और आज अभी हॉस्टल भी हमारे बंद है तो हॉस्टल वाले भी नहीं आए हुए हैं। अभी देखते हैं कल से कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, अभी तो बहुत कम है। हाथ कंट्रोल, हाथ कंट्रोल। क्यों हंस रहे हो? कोई बात नहीं, हाथ कंट्रोल करो, ठीक है? तो आगे वाली पार्टी हो, फाइल का है, फाइल देखो, पीछे नजर देखा करो। हाथ कंट्रोल, तुमको हाथ ऐसा क्यों जाता है? पीछे वाला पैर क्या है, पंजों में है ना, क्या करते हो? ये करते हो बस, आपको उठाना है। और ना हाथ ये होंगे, ये फिर मेरे ऐसे नहीं हो रहे ना, ये रखो फिर, है ना। जब अब आप करोगे निकट लाइन, एड़ी में आ जाएगा लाइफ, है ना। फिर वही सेम प्लेन पेन रखो, प्लेन रखना है। गिनती कैसी? एक दो तीन, एक करो। गुड, हाथ कंट्रोल। ठंडी तो वैसे लग रही थी, ऊपर से अब बारिश हो रही है, कैसा मौसम हो रहा है देखना। बारिश हो रही है, हम सारे भाग रहे हैं। चलो भाई, धूप आ गई, आ गई धूप, धूप आ गई। यहाँ पे इतना गहरा डिस्कशन हो रहा है, क्या होता है लोगों का। साफ नहीं हुआ, साफ तो करवा लो अच्छे से, अच्छे से दे, ओए दे, अच्छे जोर जोर से, और जोर से, और जोर से। मजा आ रही, गर्मी हुई, गर्मी पीट गरम। ये गुड मॉर्निंग भाई,
उठना पड़ता है अच्छे से, ठंडी में बिल्कुल मन नहीं मेरे को प्रैक्टिस हो जाने के लिए, तो क्या करेंगे यार, जाना पड़ेगा। साला ठंडी भी इतनी है यार, तो सुबह सुबह प्रैक्टिस करो, परेशानी होते रहो बस। हेलो दोस्तों, सेम डे अनदर व्लॉग, गलत बोल दिया। हेलो दोस्तों, तबीयत खराब हो रही मारे सब। सो अनदर डे सेम व्लॉग। तो आज देखो स्ट्रेंथ आने वाली है ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग बाहर हैं और जो भी हॉस्टल वाले हैं उनकी हॉस्टल्स खुले नहीं है, तो वो भी नहीं आ पा रहे, उन्हें आना था। तो मैम बोलती है एटलीस्ट जो लोकल वाले हैं उनको तो कॉल करो, पर्सनली कॉल करके बुलाओ, ताकि थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव लगे। तो मैंने सबको कॉल किया पर्सनली, बोला आओ भाई, इतनी ठंडी में कोई आना भी नहीं मान रहा, अभी बहुत आज तो और गजब की ठंडी है बहुत ज़्यादा। हाथ गाड़ी चलाते वक्त हाथ ही मतलब चल ही नहीं रहे थे, तो बुलाया मैंने पर्सनली कॉल किया। तो आप आज स्ट्रेंथ रहेगी, करते हैं फिर आगे की एक्टिविटी। अभी रिफ्रेशमेंट खाते हुए, रिफ्रेशमेंट में मिला है समोसा और ये क्या भाजी बड़े है ना, भाजी बड़े अच्छे से खाओ, और नहीं मिलेगा इतने एक एक। हेलो दोस्तों, तो आज वो दिन आ गया जिस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे दिन से ले, 26 जनवरी। सो या हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। अभी जाते रेडी होते हैं, भाई मेरे को लेट हो जाएगा वरना, वैसे ही थोड़ा लेट हो ही गई हूँ मैं। रेडी तो हो गई हूँ मैं, यो मेरे मतलब स्कार्फ घूम गया है टाइम में, मेरे को पता नहीं कहाँ है, किसको दिया है किसी को नहीं। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई मेरे ले आना, मैंने अच्छी बात कर चाहिए, तो बस मेरा स्कार्फ रह गया, मैं वहीं जाके पहन लूँगी, बाकी और सही है, कुछ छोटा तो नहीं है, सब सही है। ओके मिलते हैं फिर कॉलेज में। हेयर रीच कॉलेज भाई, 60 डिग्री हाथ चलाने में, देखो भाई मेरे को ना रोना आ रहा है, मेरा हाथ इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द है मेरे हाथों में ना, मतलब यार 60 डिग्री और आप इतने सुबह सुबह, वहीं आती है रोने में, तो वहीं आती है ना रोने में, क्या बताऊँ। अभी प्रोग्राम तो हमारा जैसे 8:30 से स्टार्ट है, हमें पहले बुला लिया ठीक है, ताकि जो भी हमारा ड्रेसिंग है हम सब जब देख लें। अभी और कैडेट्स आए भी नहीं, अभी आने कभी खाली टाइम पर आती नहीं कभी वैसे भी, तो चल फिर देखती सबकी ड्रेसिंग वेसिंग क्या है। लाल पड़ रही है, अरे बोला था ना फ्री में मास्क देंगे, तुम क्यों पहन के आई हो, लेके आई इसने बता, बोला ना फ्री में देंगे। लो वीडियोग्राफर को, अरे आ नहीं पा रहा यार तुम्हारे रिश्ते का।
आज का दिन उत्सव का तो है ही, साथ ही उस संकल्प को याद करने